हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका नाम सुनते ही डिजीजेस यानी कि बीमारियां याद आती है, उन्हीं वायरसेस को अब साइंटिस्ट यूज कर रहे हैं कैंसर, जी हां, कैंसर जैसी एक डेडली बीमारी को क्योर करने के लिए। एंड यू नो व्हाट, इस टेक्नोलॉजी के कई सारे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स सक्सेसफुली हो भी चुके हैं। रिसेंटली कैंसर सर्जन ह्यूमन फोंग को इन्हीं वायरसेस की मदद से लास्ट स्टेज कैंसर पेशेंट को ठीक करने में भी सफलता मिली है, जिस स्टेज में ऐसा माना जाता था कि कैंसर का क्योर नहीं हो सकता है। इनफैक्ट डॉक्टर्स के मुताबिक ये वायरस ब्रेस्ट, लंग, ओवेरियन जैसे 8 से भी ज्यादा कैंसर्स को ठीक कर सकते हैं। सो क्या इस टेक्नोलॉजी से हम कैंसर को एक 100% क्योरेबल डिजीज बना पाएंगे? वेल एक्चुअली लेट्स नॉट जंप द गन्स, क्योंकि 1950s में जब वायरस के कैंसर क्योरिंग एबिलिटीज पर ट्रायल शुरू थे ना, तब बहुत सारे पेशेंट्स की मौत हो गई थी। दरअसल इस प्रोसेस की शुरुआत हुई थी 1904 में, जहां पर एक ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर की पेशेंट इन्फ्लुएंजा वायरस से इन्फेक्ट हो गई थी। उसके इलाज के दौरान एक अमेरिकन डॉक्टर जॉर्ज डॉक ने एक काफी विचित्र सी चीज देखी। इस वायरल इन्फेक्शन की वजह से उसका कैंसर ठीक हो रहा है। कैंसर की वजह से उसका जो लिवर और स्प्लीन फूल गया था, वो दोबारा से अपने नॉर्मल साइज में रिटर्न हो रहा था, और यहां तक कि ये ऑर्गन्स कैंसर फ्री भी हो रहे थे। अब ये वायरल इन्फेक्शन कैंसर सेल्स को किल कैसे कर रहा था, इस मैकेनिज्म का जॉर्ज ने कई एक्सपेरिमेंट्स के जरिए पता लगाने की कोशिश किया, लेकिन टेक्नोलॉजी ना होने के कारण उनके हाथ उस वक्त कुछ भी नहीं लगा, और इसीलिए अंत में थक हार कर उन्होंने इस पेशेंट में किए गए सारे ऑब्जर्वेशंस को बस सिर्फ एक पेपर के जरिए पब्लिश कर दिया, ताकि फ्यूचर में इस पर कोई भी अगर स्टडी हो तो इसके पीछे की एक्चुअल वजह सबके सामने आ सके। अब यहां पर इसके कुछ साल बाद शुरू होता है इस पर खोज, और ये बात फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर स्पेशलिस्ट चेस्टर साउथहैम के नजर में आती है, तो उन्होंने स्टडी को आगे बढ़ाने का सोचा। अब उन्हें यह तो पता था कि वायरस ही इसके पीछे का कारण है, और इसीलिए स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अलग अलग वायरसेस को कैंसर पेशेंट्स में इंजेक्ट करना शुरू कर दिया और उसके इफेक्ट्स को स्टडी करना। 1956 में पहले ट्रायल की शुरुआत की, और सबसे पहले उन्होंने 30 कैंसर पेशेंट्स में कॉमन फ्लू वायरस एडीनो वायरस को इंजेक्ट किया और कैंसर को ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि 30 में से 26 पेशेंट्स के कैंसर सेल्स यानी कि ट्यूमर्स के साइज धीरे धीरे कम हो रहे और वो रिकवर कर रहे थे। फर्स्ट ट्रायल के सक्सेस को देखकर उन्होंने सेकेंड ट्रायल की शुरुआत की, और इस बार उन्होंने 22 कैंसर पेशेंट्स को दूसरे वायरस हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्ट किया और फिर एक बार उन्हें ऑब्जर्व किया। अब शुरुआत में इस एक्सपेरिमेंट्स के भी रिजल्ट कुछ सेम ही आ रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों में 22 में से 14 पेशेंट्स को हेपेटाइटिस बी के सीवियर सिम्टम्स दिखने लग गए। उनकी स्किन येलो होने लग गई, फीवर होने लग गया, एब्डोमिनल पेन बढ़ता चला गया, और एक पेशेंट की अनफॉर्चुनेटली जान चली गई। लेकिन फ्रेंड्स, सिर्फ यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। ऑन द अदर हैंड, बाकी के पेशेंट्स का वायरल इन्फेक्शन जैसे ही ठीक हुआ, उनका ट्यूमर साइज दोबारा से दुगनी तेजी से बढ़ने लग गया, और देखते ही देखते 1 से 2 महीनों के इंटरवल में कुछ पेशेंट्स की मौत हो गई। अब ये काफी विचित्र सी बात थी, राइट? बट नेवरदलेस इस स्टडीज के इतने जानलेवा रिजल्ट्स देखकर इस स्टडी को तुरंत बैन कर दिया गया, और वहीं पर उसकी रिसर्च अधूरी ही रह गई। Until 1990, जब मेडिकल फील्ड के एक नए ब्रांच जेनेटिक इंजीनियरिंग की शुरुआत हुई, जिसने मेडिकल की पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी की मदद से जीन्स को ऐड या कट करके उन्हें मॉडिफाई किया जाता है, ताकि डिजीजेस को ट्रीट करके क्योर किया जा सके। अब ये प्रोसेस काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखा रही थी, और इसीलिए इसका इस्तेमाल दुनिया की पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड वैक्सीन हेपेटाइटिस बी बनाने में किया गया। इस वैक्सीन को बनाने के लिए साइंटिस्टों ने ईस्ट में से HBS एंटीजन एक्सट्रैक्ट किया। अब स्पेसिफिकली यहां पर HBS एंटीजन इसीलिए क्योंकि यही सेम एंटीजन हेपेटाइटिस बी वायरस के सरफेस पर भी प्रेजेंट होता है, और इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि इस एंटीजन को यूज करके वो बॉडी में हेपेटाइटिस बी के वायरस को आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कैसे? तो देखो, जब भी कोई एंटीजन यानी कि फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर करता है, तब उसे खत्म करने के लिए ह्यूमन इम्यून सिस्टम स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, जो सिर्फ उन्हीं एंटीजन्स पर अटैक करती है। यानी कि HBS एंटीजन की वजह से जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी, वो किसी दूसरी बीमारी के एंटीजन्स पर अटैक नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने वैक्सीन के जरिए इस एंटीजन को पहले ही
बॉडी से इंट्रोड्यूस करवाया ताकि जब हेपेटाइटिस बी वायरस बॉडी में एंटर हो तो ये एंटीजन उसके सरफेस पर मौजूद HBS एंटीजन को आइडेंटिफाई करके वही स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे और एंटीजन के साथ ही पूरे वायरस को भी खत्म कर दे। इस वैक्सीन की मदद से डॉक्टरों को हेपेटाइटिस बी को कंट्रोल में लाने में सफलता मिली। अब इस वैक्सीन के सक्सेसफुल रिजल्ट को देखकर 1996 में कैंसर बायोलॉजिस्ट फ्रैंक मैककॉर्मिक और उनकी टीम को ये ख्याल आया कि इसी तरह से वायरस के जीन्स में भी बदलाव करके वायरस से कैंसर ट्रीटमेंट की टेक्निक दोबारा रिवाइव की जा सकती है और इसीलिए उन्होंने बिल्कुल 1956 की तरह एडीनो वायरस को लिया, लेकिन इस बार उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से उसके जीन्स में कुछ चेंजेस किए और एक नया वायरस बनाया कॉल्ड ऑनिक्स 015। अब ये स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन कैंसर ट्रीटमेंट के लिए गेम चेंजर कैसे साबित हुआ? देखो फ्रेंड्स, हमारे सेल पर ना प्रोटीन P53 अटैच होते हैं और उन पर ट्यूमर सप्रेसर की तरह काम करते हैं, यानी कि वो सेल डिवीजन को रेगुलेट करते हैं और सही टाइम पर उन्हें डिस्ट्रॉय होने का सिग्नल भी भेजते हैं। लेकिन कैंसर सेल्स में ये प्रोटीन डीएक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल्स वक्त रहते मरते नहीं है और अपनी कॉपीज बनाते रहते हैं और इसी ऑनिक 015 में इन्हीं सेल्स को टारगेट करने के लिए मॉडिफिकेशंस किए गए ताकि वो वायरस हेल्दी सेल्स के बजाय सिर्फ ऐसे ही सेल्स को टारगेट करे जिनमें प्रोटीन P53 डीएक्टिवेटेड था। सो इन मॉडिफिकेशंस के बाद उन्होंने इसके लैब टेस्ट शुरू किए और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले लैब में नॉर्मल सेल्स को लिया और उन्हें रेडिएशन से एक्सपोज करके उन्हें ट्यूमर सेल्स में तब्दील किया और फिर उनमें उस वायरस को इंजेक्ट किया और उन्हें कुछ दिन के लिए ऑब्जर्व किया। कुछ दिन बाद उन्होंने ये देखा कि ऑनिक 015 नॉर्मल सेल्स को इग्नोर करके सिर्फ कैंसर सेल्स को ही टारगेट कर रहा है और उन्हें मार रहा है। पर यहाँ पर कुछ दिनों के थोड़े और ऑब्जर्वेशन के बाद उन्हें रिजल्ट्स में एक प्रॉब्लम नजर आया। उनके रिजल्ट्स के मुताबिक ऑनिक 015 अपने आप को जल्दी रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा था और साथ ही उसके जीन्स में जो मॉडिफिकेशंस किए गए थे वो नेक्स्ट जनरेशन में पूरी तरीके से पास ऑन नहीं हो रहे थे। तो बेसिकली होता क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक पैकेजिंग कैपेसिटी, यानी कि नए जीन्स को एक्सेप्ट करने की एक लिमिट होती है। उसके ऊपर ना वो नए जीन्स को एक्सेप्ट करता है और ना ही उन्हें नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करता है और ऐसा ही कुछ ऑनिक 015 के साथ भी हो रहा था, जिसकी वजह से वायरस की नेक्स्ट जनरेशन कैंसर सेल्स के साथ साथ हेल्दी सेल्स को भी खत्म कर रही थी। बट उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने ऐसे वायरस को मॉडिफाई करना शुरू किया जो शॉकिंगली हम सभी के बॉडी में बचपन से प्रेजेंट था। तो ऑनिक 015 में जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे उन्हें अवॉइड करने के लिए कुछ दूसरे साइंटिस्टों ने सोचा कि कोई ऐसा वायरस लिया जाए जिसे हमारी ह्यूमन बॉडी ऑलरेडी जानती हो और उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। इस पर जब वो रिसर्च कर रहे थे तब उनके ध्यान में एक ऐसी वायरल डिजीज आई जो कि विलुप्त हो गई थी, स्मॉल पॉक्स, जो कि वैक्सीनिया वायरस के वजह से होता है। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली स्मॉल पॉक्स इसीलिए क्योंकि इस डिजीज से हम ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, जिसकी वजह से अगर भले ही इन्हें बॉडी में इंजेक्ट किया गया तो उससे किसी भी तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस ना के बराबर है। और इसीलिए इस दूसरी स्टडी को लीड कर रहे प्रोफेसर ह्यूमन फोंग ने वैक्सीनिया को कंसिडर किया और उसमें ऑनिक्स 015 की तरह जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने लग गए। उन्होंने ये नोटिस किया कि ये वायरस बाकियों के मुकाबले एक साथ कई नए जीन्स को अपने अंदर एकोमोडेट कर सकता है, जिस वजह से इसे कैंसर स्पेसिफिक बनाना और भी आसान था, क्योंकि नॉर्मली वायरस बॉडी में घुसते ही छुपने के लिए सेल के अंदर चला जाता है जिससे हमारी इम्यून सिस्टम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाती। इस सेल में जाकर वायरस एक्टिवेट हो जाता है और फिर तेजी से अपनी ढेर सारी कॉपीज बनाने लगता है, जिसके नतीजे में एक पॉइंट के बाद सेल में इतने वायरस के कॉपीज हो जाते हैं कि वो उन्हें एडजस्ट नहीं कर पाता और फट जाता है, जिसे साइंटिस्ट वायरल लोड कहते हैं। अब सेल के फटने पर ये कॉपीज इर्द गिर्द के सेल्स में जाकर यही सेम प्रोसेस को फॉलो करती है, जिससे सेल्स मरने लगते हैं और वायरस मल्टीप्लाई हो जाता है। इस वायरस की बढ़ती तादाद को देखकर बॉडी का इम्यून सिस्टम अलर्ट होकर वायरस को रोकने के लिए एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। ये एंटीबॉडीज फिर वायरस पर हमला करके उसे खत्म करती है, जिसके रिस्पॉन्स में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब ऐसा सब ना हो इसीलिए इस वायरस को ऐसे मॉडिफाई किया गया कि वो ह्यूमन बॉडी की इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट ही नहीं कर पाए। इनफैक्ट इसमें ऐसे जीन्स ऐड किए गए जो प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे जिनका एक ही काम होगा, सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल्स को ही खत्म करना। तो इस प्रोसेस को कुछ ऐसे सेट किया गया कि जैसे ही वैक्सीनिया वायरस ह्यूमन बॉडी में एंटर करेगा वो सबसे पहले मैक्स प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा
ये मैक्स प्रोटीन कैंसर सेल्स के सरफेस पर प्रेजेंट होने वाले MYC प्रोटीन को डिटेक्ट करेगा ताकि वायरस सिर्फ उन्हीं सेल्स के अंदर जा सके और बाकी के नॉर्मल सेल्स पर उसका कोई भी असर ना हो। फिर जैसे ही कैंसर सेल डिटेक्ट होगा, वायरस उस सेल के अंदर एंटर करेगा और अपना दूसरा प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, थायमाइडाइन काइनेस, जो सेल्स में मौजूद नॉन टॉक्सिन्स को साइटोटॉक्सिन्स में कन्वर्ट करेगा। ये साइटोटॉक्सिन्स जनरली स्नेक वेनम में प्रेजेंट होते हैं, जो सेल्स में डिफ्यूज होकर उन्हें सुइसाइड करने पर मजबूर कर देते हैं। अब जब ये प्रोसेस शुरू होगी, वायरस अपना तीसरा और आखिरी प्रोटीन रिलीज करेगा, थ्रोम्बोस्पोंडिन। ये प्रोटीन एंजियोलिसिस प्रोसेस को बढ़ावा देगा, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स को एनर्जी सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स डैमेज होगी और कैंसर सेल्स तक का ब्लड सप्लाई रुक जाएगा और नतीजन उनकी फंक्शनिंग रुक जाएगी। अब ये पूरा प्रोसेस सही तरीके से हो पाएगा कि नहीं, उसकी जानकारी हमें देगा स्पेशल प्रोटीन जो वैक्सीनिया में ऑलरेडी प्रेजेंट है, HNIS, यानी कि ह्यूमन सोडियम आयोडाइड सिंपोर्टर। वेल, ये प्रोटीन सिर्फ आयोडीन को ही कैंसर सेल्स में एक्सेप्ट करता है। इसे शॉर्ट में समझे तो HNIS किसी सिक्योरिटी सिस्टम की तरह काम करता है, जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स, इस केस में आयोडीन, को ही सेल्स के अंदर आने देता है। ऐसे में ट्यूमर डिटेक्शन के वक्त जब रेडियो एक्टिव आयोडीन को इंजेक्ट किया जाता है, तब वो सिर्फ उसी जगह में एक्सेप्ट होता है जहां पर कैंसर सेल्स मौजूद है, जिससे कि उन्हें ट्रैक करना आसान होता है। इसी के साथ ही इससे रेडियोथेरेपी में भी मदद होती है, जिसमें एक्सरेज के जरिए ट्यूमर को डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो जब साइंटिस्टों को ये यकीन हुआ कि वैक्सीनिया उन्हें उनके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दे रही है, उन्होंने इसे टेस्ट करना शुरू कर दिया। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने एनिमल ट्रायल्स कंडक्ट किए, जिसमें चूहे, गिनी पिग्स और मंकीज शामिल थे। इन ट्रायल्स के अच्छे रिजल्ट्स को मद्देनजर रखते हुए FDA ने इसके ह्यूमन ट्रायल की परमिशन दे दी और 2022 में US के सिटी ऑफ होप हॉस्पिटल और ऑस्ट्रेलियन कंपनी इम्यूजीन ने मिलकर इस थेरेपी के फेज 1 के ट्रायल्स को शुरू किया, जहां पर पहली बार ये वायरस इंसानों में इंजेक्ट किया गया। शुरुआत में उन्होंने 100 ऐसे पेशेंट्स को चुना जो सॉलिड ट्यूमर यानी एडवांस कैंसर से पीड़ित थे। उनके सेफ्टी के लिए उन्हें वायरस के साथ एक और एक्स्ट्रा ड्रग पेम्ब्रोलिजुमैब दिया गया। इस फेज 1 ट्रायल्स में उन्होंने ये देखा कि पेशेंट्स के पैंक्रियाटिक, लंग, ब्रेस्ट, ओवेरियन जैसे 8 से भी ज्यादा टाइप्स के ट्यूमर्स कम हो रहे हैं, यानी कि वो सक्सेसफुल साबित हो रहे हैं। अब इन रिजल्ट्स को देखकर US के डॉक्टर्स जल्द ही फेज 2 और 3 के ट्रायल्स को भी शुरू करने के बारे में सोच रहे, जो कि करीब 10,000 से 50,000 पेशेंट्स पर किए जाएंगे। अब ये तो फिलहाल के लिए US तक ही सीमित होने वाला है, लेकिन ऐसे ही एक दूसरा ट्रायल यहां पर मुंबई में भी हो रहा है, जिस पर टाटा मेमोरियल, ACTRAC और IIT बॉम्बे साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। ये ट्रीटमेंट वैक्सीनिया से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें वायरस को हमारे इम्यून सिस्टम के टी सेल्स के साथ फ्यूज करके एक ऐसा ड्रग बनाया गया है जिसे काइमेरा या कार टी सेल थेरेपी भी कहते हैं। अब क्योंकि इसमें हमारी इम्यून सिस्टम के कुछ सेल्स शामिल है, सो ये ड्रग बिना किसी साइड इफेक्ट के कैंसर सेल्स पर एग्रेसिवली अटैक करेगा। इस ड्रग को इंडिया में बनाने के पीछे का मेन मोटिव था कैंसर ट्रीटमेंट को आम लोगों के लिए भी अफोर्डेबल बनाना, क्योंकि कई दूसरे देशों में इस ड्रग और ट्रीटमेंट की कीमत 5 से 10 करोड़ तक पहुंच जाती है, और वहीं पर इंडिया में इसका ट्रीटमेंट कुछ 20 लाख रुपए में ही हो जाएगा। सो डोंट यू थिंक फ्रेंड्स, इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग कि कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी का भी सोल्यूशन विज्ञान के पास आ चुका है और बहुत ही जल्द वो लोगों के लिए भी अफोर्डेबल बन जाएगा। अब बात तो ये है ना कि जहां पर ऐसे ड्रग्स से लोगों की जान बच रही है, वहीं पर कुछ ऐसे भी ड्रग्स हैं जिनके वजह से लोगों की जाने जा रही है और वो फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं यहां पर एक ऐसे ड्रग की जो कि इंसानों को, अच्छे खासे हेल्दी इंसानों को, जिंदा ज़ॉम्बीज में तब्दील कर रहा है। एंड आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, जिंदा ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज में। इस पूरे ड्रग ज़ाइलेज़ीन, जो कि भारी मात्रा में काफी सारे लोग कंज्यूम कर रहे हैं, पे ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। आई हाईली सजेस्ट यू गो एंड चेक इट आउट सो दैट यू ऑल्सो बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस ड्रग। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना, गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करो। सी यू नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।